नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। आज है इतवार, इतवार के दिन हम जो है झोला उठा के कहाँ जा रहे हैं, हम तो झोला उठा के चले। हर यूनिवर्सिटी में एक कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसको आउटरीच प्रोग्राम बोला जाता है। आउटरीच का मतलब क्यों होता है कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या रिसर्च करते हैं, आप जो है पब्लिक में जा कर के लोगों को भी बताइए साइंस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों को बताइए, उनके पेरेंट्स को बताइए, इस तरह से इस प्रोग्राम को आउटरीच प्रोग्राम बोला जाता है। तो हर विभाग में होता होगा, चूंकि मैं साइंस का हूँ तो मैं साइंस में आउटरीच में पार्टिसिपेट होता रहता हूँ। तो इसमें जो इस टाइप का जो आउटरीच है इसको बोलते हैं न्यूरो साइंस आउटरीच प्रोग्राम। इसमें आपको ब्रेन के बारे में बच्चों को बताना है। तो अब कक्षा 8 के बच्चे हैं शायद, या फिर हाई स्कूल के होंगे, तो वहाँ पे एक फेयर टाइप का है, मेला टाइप का लगा हुआ है, तो कई चीज़ें उनको बताई जाएंगी। तो जो मेरा जो जॉब है, मेरा एक प्रेजेंटेशन है बच्चों को बताने के लिए कि जीन थेरेपी से कैसे ब्रेन से संबंधित या किसी भी बॉडी प्रॉब्लम, किसी भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जो जीन को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे सही करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे कि जब आप आउटरीच में पार्टिसिपेट हो करते हो तो जो वॉलेंटियर्स होते हैं ऑर्गेनाइज कराने का, मतलब कि एक वॉलेंटियर होता है जो सारा ऑर्गेनाइज करता है, सारे साइंटिस्टों को ईमेल करता है, उनको बुलाता है कि आप आओ हमारे यहाँ, बच्चों का एक प्रोग्राम है, आप उसमें अपना अनुदान, समय अनुदान दे सकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़की है तो उसी ने जो है ये प्रोग्राम करवा रही है ये, और मैं तो कई बार जा चुका हूँ। अगर आप हमारे ब्लॉग को देखते होंगे तो आपको पता भी होगा मैं जो है बच्चों को जो है प्रोग्राम में आता जाता रहता हूँ। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों से मिलने, उनके उलुल जुलुल प्रश्न का जवाब देने बहुत ही आनंद आता है मुझे। इंडिया में भी मैं गया था ना, वहाँ पे बहुत बच्चे प्रश्न करते हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा। तो उनके प्रश्नों का जवाब देने का जो आनंद है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, लेकिन सुन के अच्छा लगता है कि इनके अंदर कितनी जिज्ञासा है। ठीक है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं और इस तरीके से हम एंट्री करने जा रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़े सुरंग में। सबसे बड़ा सुरंग नहीं है अमेरिका का, हाँ, लेकिन हमारे, लेकिन मैरीलैंड स्टेट का सबसे बड़ा सुरंग है। और ये सुरंग की खास बात ये है कि पानी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, पानी के अंदर इन्होंने ट्यूब डाल रखा है, उस ट्यूब के अंदर इन्होंने रोड बना रखा है। आप हमारे बगल में देख सकते हैं बहुत बड़ा क्रूज है, और गर्मी के दिन आ रहा है तो गर्मियों में जो है बहुत क्रेज होता है इसमें बैठ के घूमने का, तरह से होटल ही होता है, आप बस जाओ एक हफ्ते के लिए दर्शन के लिए। और ये जो है अपना चलती रहती है, जब पता नहीं कहाँ जाती है, दूसरे छोर पर ले जाएगी, उतरेगी, वहाँ भी घूमो टहलो, फिर बैठ के वापस आ जाओ। गर्मियों में काफ़ी क्रेज रहता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमने कार जो है यहाँ पे पार्क कर दिया है, और बच्चे लोगों बाहर निकलो। और बेसिकली जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो एक साइंस म्यूजियम सेंटर है, वहाँ पे डायनासोर वगैरह साइंस के बहुत सी चीज़ें वहाँ दिखाए जाते हैं, और आपका प्लेनेटोरियम भी है। ठीक है, तो वहाँ पे होगा तो बच्चों को देखने के लिए भी बहुत कुछ है, वो सब भी जो भी हम देखेंगे वहाँ पर वो सब भी हम आपको दिखाएंगे साथ ही, क्या क्या है यहाँ पे इस म्यूजियम में। डायनासोर काफ़ी फेमस है यहाँ, मतलब बच्चे हैं तो आपको पानी और खाने के लिए कुछ चीज़ है, अब खाने के लिए कुछ और दवा दारू सब लेके चलना पड़ता है। तो हम सब जो है पार्किंग लॉट में, ये है पार्किंग वाली बिल्डिंग, देख रहे हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। ठीक है, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये अपार्टमेंट है, मतलब लोग किराए पर रहते हैं, जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले वगैरह वगैरह, रिसर्चर भी होते होंगे। इंद्र देवता भी थोड़ा प्रसन्न हो गए हैं लग रहा है सवेरे सवेरे। और सामने हमारे पास बहुत बड़ी क्रूज, और ये है वर्ल्ड बाल्टीमोर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, ये है बाल्टीमोर शहर, और ये है बंदरगाह जहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, और जो आगे बच्चे देख रहे हैं अभी आपको दिखाऊंगा, सब बच्चे वहीं जा रहे होंगे। देखो बाल्टीमोर विजिटर सेंटर है, और आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि ये जो आपको बोट देख रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये क्रूज़ है, क्रूज़ नहीं है, दरअसल में ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए आपको देखिए अंदर देखिए कुर्सी वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, और देखिए इधर खाना बनता है, देखिए खाना वाला तोप रख के रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये होटल है, रेस्टोरेंट है, आप अंदर जाओ बैठो खाना खाओ चलो, कहीं जाए हुएगी नहीं। ठीक है, अब देखो रस्सी वस्सी से बांध के रखे हैं। ठीक है,
नहीं तो पता लगा कि आप पानी पी रहे हो, पानी आपका छलक के गिर ना जाए। ठीक है, तो अभी ये सवेरे सवेरे बंद है, और ये इसका ये जो है चेयर है, मतलब ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी लगा देंगे और इसी सीढ़ी से आप अंदर जा कर के अपना बैठो, खाना खाओ, पेमेंट करो, बाहर निकलो। ठीक है, ये भी एक तरीका है बिजनेस का। यहाँ पे थोड़ा सा रैंप बना हुआ है जो पानी के अंदर जा सकते हैं। मैं आपको दो मिनट दिखा देना चाहता हूँ। पूरे अंदर चलने, ये है आपका जितने भी वो बोट देख रहे हैं छोटे छोटे, उसका पार्किंग है। ये पार्किंग का मतलब कि वहाँ पे पार्क है और वो यहाँ पे आके लगा देंगे, तो आप चढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रोड के किनारे टैक्सी खड़ी करने का लाइन बनी होती है, तो मतलब टैक्सी खड़ी करने का लाइन है ये बोट एक बोट यहाँ होगा, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरीके से लगे रहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम का पोल है, यहाँ पे आप बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह, और जो बोट आएगा उस बोट में जो बैटरी होगी उसको भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ बैठे हुए हैं सीगल, क्यों भगा रहे उसको? गुड़िया क्यों भगा रहे वो? ओ मियान। तो यहाँ से आपको बाल्टीमोर का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से है, और जहाँ पे हमको जाना है वो है ये वाला साइंस सेंटर। ये है साइंस सेंटर, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है गुड़िया, गुड़िया चलो चलो आ जाओ, लेट हो रहा है। ओके, तो जनरली जो साइंस सेंटर है और आउटरीच का जो प्रोग्राम है वो 10:30 बजे से शुरू होगा, और हम 10:30 शायद बज भी गए होंगे, 5-10 मिनट लेट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टाक है 12 बजे से है, तो थोड़ा बच्चों को दिखाना भी था, तो मैं थोड़ा इधर रुक गया। ठीक है, हेलो, आई एम हेयर फॉर द ब्रेन बी प्रोग्राम। तो चूंकि हम सब जो है जो जिस प्रोग्राम के आए हैं, जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, वो प्रोग्राम का एंट्रेंस दूसरी जगह से है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। इसका एंट्रेंस इस साइड है कहीं, हम सब VIP एंट्री करने जा रहे हैं। ओके, तो ये है मेरीलैंड साइंस सेंटर, और ये है इसका दरवाज़ा। ठीक है, और ये है हमारे बच्चे और बच्चे की मम्मी। हाय ब्रेन बी, No, I'm presenting. Okay. रमेश चंद्रा चंद्रा सी ओके तो ये है हमारा आईडी। तो ये यहाँ पे साइंस की बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए वो एक बनाया गया है, अने वे 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 छोट, अभी देखना फिर से अलाइन हो जाएंगे। ओके, तो बच्चे कहें पीछे टहलने हैं, तब तक मैं देखता हूँ मुझे जाना कहाँ है। MSC थिएटर, इसमें हमको जाना है MSC थिएटर। Oh my god, it's a neuron cells. देखो बच्चों ने न्यूरॉन बनाया है, अन्य ने भी न्यूरॉन बनाया है, गुड़िया ने भी नीर भी। देखो ये माइक्रोग्लिया है जो सारी तुम्हें न्यूरॉन सेल का खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ओलिगोडेंड्राइट्स जो कि दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन ब्रिज बनाता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट सारे, मैं काफ़ी लेके आता तुम्हारे लिए।
तो ये देखिए बवंडर है साइंस का सिस्टम, ऐसे देखिए बवंडर निकलता है इसमें। ये अर्णव लुक लुक हे तो हमारे पीछे जो है यहाँ पे जो पानी जो नदी में बहता है और पानी के बहाव को आप यूज़ करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं या फिर पानी के सप्लाई गांव गांव घर घर पहुँचा सकते हैं, उस चीज़ को बच्चे लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, अपने हाथ से वो चेंज भी कर सकते हैं जैसे भी चाहो। पानी का इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन चाहिए ताकि आप भीगे ना। यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है ना, अब इसको आप बाढ़ को रोक सकते हो पानी का बहाव ये डाल के, ठीक है। तो पानी का रोटेशन आप डायरेक्शन आप किसी भी एंगल में बदल सकते हो। तो ये देखिए दुल्हन है, दुल्हन का घूंघटा उठाना हो तो आप इसको ऐसे हाथ डाल दीजिए, ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो ये देखो पानी का बहाव भी है, इसके भी बदल सकते हैं। ओह माय गॉड, यस इफ समवन नो डोंट टच इट ओके। So creepy. So creepy. यह सब स्पेस म्यूजियम के जैसा है। ओके तो यहाँ पे देखिए सोलर सिस्टम बना है, इसको रोटेट करो बड़ी कहीं से होगा बटन। होगा। सेंटर में सूरज देवता है और से देखिए यहाँ पे है। नहीं वो नाच तो रहा है वैसे ही। नाच रहा है। I don't see it. Hmm. ये देखिए ऊपर सैटेलाइट टंगा हुआ है और ये जो है स्पेस सूट है इधर टंगा हुआ है। बहुत वजनी होता है ये, देखने बहुत लाइट लगता है लेकिन होता बहुत वजनी है ये। देख रहे पीछे कितना बोझा लेके ढो रहा है। ओह माय गॉड, देखो टॉर्नेडो कैसे बिल्ट होता है। ओह माय गॉड, ओएमजी। यहाँ देखो बच्चों को बताया जा रहा है टॉर्नेडो कैसे बनता है। जब गर्म और ठंडा हवा आपस में टकराते हैं तो इस तरह से रोल होता है। वाह, ओके आपको दिखाते हैं। यह है मेटेरॉयड है जो ब्रह्मांड से गिरा हुआ पृथ्वी पर, ये जो है देखो यहाँ पे लिखा अर्जेंटीना में गिरा था ये और अमेरिका में ला के रखा गया। ये अमेरिका वालों को हर एक चीज़ मिल कैसे जाता है पता नहीं, अर्जेंटीना से उठा के लेके आए। ये स्टेवी में देखिए हीट मैप है बॉडी का और ये कैमरा लेके जो इंसान नाच रहा है वो मैं है। टेम्परेचर बता रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए एक हीट सेंसर लगा हुआ है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बताएगा और हीट मैप भी बनाएगा इस तरीके से। जब कोविड आया था तो जापान के अब बहुत से एयरपोर्ट भी इस तरह से बनाए गए थे, तो जो भी इंसान वहाँ से वॉक करेगा तो सबका टेम्परेचर बताता जाएगा। मैं आपको अपना टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखिए जो कैमरा लेके खड़ा है वो मैं हूँ और इसका टेम्परेचर देखिए लिखा हुआ है 98.1, एक गुड़िया का है 98.1। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर खींचेगा साइडों का। देखो तुम्हारा शैडो यहीं रह गया। फर्स्ट यू हैव टू गेज इनटू। ओके तो ये जो है इन्फिनिटी है, इसमें अब जो आवाज़ के अनुसार चेंज होता है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे तरह से डीप में जाएगा। गो हेड आने गुड़िया भैया, ऐसे हमको रोज डांटती वैसे डांटो भैया, चिल्लाना है से टाइम मशीन जैसा लग रहा। नहीं different designs. Whoa. Saw you. We need to go. Where is that?
is a thermochromic paper by a heat map. If you want, also I have rubbing alcohol. Rubbing alcohol is gonna evaporate and it's gonna take some of that heat. Oh! Oh! Whoa, I'm gonna try this one. Oh yeah. Wow. Oh, what is that? There's paper cups on the back. So behind you have a tari have a thermal sensor laga hua hai. The paper is thermal ko sense karta hai, usi hisab se color bhi change hota hai. So bachche log usko heater bhi udhar rakha, heater pe laga karke koi bhi shape size bana sakte hain. Ha ha ha! It says the more you move, the more it fills with the laughter. That's how it, yeah. यहाँ पे ज़्यादा move करेंगे उतना हंसी आएगी. Ooh, ooh, ooh. जितना आप मूव करेंगे उतना यहाँ लोग यहाँ पे बैठ के हंसेंगे. कम ऑन कम ऑन, आनो इधर, आ जाओ, देखते हैं इधर क्या. हेलो, तो इसमें क्या है कि सारे ग्लास को गिराना है मार के. हो Other way. Yeah. Whoa. See? I did it. Okay. So you can, now you can try it from distance. Yeah, try it from distance on here. इस एरिया में बच्चों को मिस्त्री आना सिखाया जाता है, कारपेंट्री वाला काम. लकड़ी है, हथौड़ी है और दीवार में देखो पहले से छेद बने हुए हैं. अब जहाँ पे बिल डाल करके जो कुछ बनाना चाहो बना सकते हैं. ओके, तो गुड़िया अब जो है प्रोजेक्टाइल मोसल पे एक्सपेरिमेंट करने जा रही है. किसी गेंद को अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड किसी गेंद को अगर आप 30 डिग्री कोण से फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोसल कितने एंगल से जाके गिरेगा. 1, 2 and 3. सेवेंटी डिग्री. पुट द 70 डिग्री. यू नीड टू थ्रो दैट इन दैट. या लीव इट. दैट्स हाउ यू डू इट. प्रोजेक्टाइल मोशन इंटरमीडिएट में हम सब ने बहुत पढ़ा था. नहीं बढ़िया. कम ऑन गाइस, अर्णव आ जाओ, मिस्त्री आना बंद करके इधर आ जाओ. उसने अभी मिस्त्री आना सीखते, ओ म्यूजिक सीखते हैं इधर. तो यहाँ पे है कि जब हम सब बचपन में माचिस की डिब्बी में रस्सी से बात के फ़ोन पे बात करते थे, ये वही चीज़ है. या भोला छाप जाफरानी चाय पत्ती के डिब्बे में छेद करके पीछे से रस्सी से बात के फ़ोन पे बात करते थे, वही चीज़ है. यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सुनाई देगी. याद है ना भोला छाप जाफरानी चाय पत्ती. ओके, तो फाइनली हम सब जा रहे हैं प्लेनेटोरियम, आकाशगंगा देखने, जो कि अंधेरिया कुप है. अंधेरी रातों में सुनसान रहो पर जब एक मसीहा निकलता है उसे लोग सहनशाह कहते हैं. देखिए इनका इंजीनियरिंग सिस्टम यहाँ पे है सारा. आओ यहाँ बैठते ना. तो ये है जो अभी तक पूरा सब दिखाया है बढ़िया से, सूरज उतारा. ओह माय गॉड, ये तो मूव भी कर रहा है. आकाश गंगा बनाते हैं इसी से.
इसमें क्या छोटे छोटे यहाँ पे लाइट लगे, इसी का लाइट जो है इस पर्दे पे जाके टकराता है। देखो हॉट एयर बलून का एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर ठंडा होगा नीचे गिर जाएगा। ये है यहाँ का सबसे फेवरेट प्लेस डाइनर। हाँ लाइट, मेरा टॉक हो गया है समाप्त। तो चूँकि साइंस सेंटर है तो मैं सोचा तो बच्चों को थोड़ा घुमा देते हैं इधर।